हे गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज अनुरूप वंशी और आज मैं बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आया हूँ जिसको जानकर जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप अपने माइंड में नेगेटिविटी को नहीं आने दे सकते हैं। तो शुरुआत करता हूँ एक स्टोरी से। एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर हुआ करते थे एक कॉलोनी में और वो बच्चों को पढ़ाने का काम किया करते थे। तो एक दिन की बात है कि जब वो बच्चे को पढ़ा रहे थे तो पढ़ाने टाइम उन्होंने बच्चों को बोला कि आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और जब सारे बच्चे एग्री हो जाते हैं वीडियो देखने के लिए तब वो प्रोफेसर वीडियो को प्ले करते हैं और कुछ समय तक वीडियो को चलाते हैं। और वीडियो में ये होता है कि एक बड़ा सा समंदर और उस समंदर में एक जहाज़ यू मीन शिप, और समंदर में बहुत बड़ी लहरें तूफान लहरें होती है और हवाएं बहुत तेज़ चल रही होती है। तो बच्चे लोग देख रहे होते हैं एक्साइटेड के साथ, देख रहे होते हैं बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ और कुछ समय बाद वो जहाज़ समंदर में डूब जाते हैं। डूबने के बाद प्रोफेसर क्या करते हैं, वीडियो को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। वीडियो को स्टॉप करने के बाद बच्चों से एक सवाल करते हैं कि बच्चों अब ये बताओ कि आपने इस वीडियो में क्या देखा। तो बच्चे रिप्लाई करते हैं कि सर मैंने तो ये देखा कि जहाज़ डूब गई तेज़ लहरें के कारण। कुछ लोगों ने ये जवाब दिया कि सर बहुत ज़्यादा आंधी था इसके कारण जहाज़ डूब गई। प्रोफेसर ने सभी आंसर्स को एग्री किया और उन्होंने कहा कि सभी सही हैं कि ये जहाज़ डूब गया, बट ये जहाज़ कैसे डूबा ये आप नहीं बता पा रहे। प्रोफेसर ने बहुत ही अच्छे, बहुत ही सटीक और बहुत ही सिंपल जवाब दिया, ये जहाज़ इसलिए डूब गया क्योंकि ये पानी से भर गया था। बिल्कुल ये जवाब सुनते ही स्टूडेंट्स बिल्कुल शॉक होते हैं और ये कहते हैं कि सर ये आपने क्या बताया, ये तो सही बात है कि पानी भरने के कारण ही जहाज़ डूबा। तो प्रोफेसर इस माध्यम से ये बताना चाह रहे थे बच्चों को कि ठीक उसी प्रकार अपने करियर में आप फेलुअर तब होते हैं जब आपके दिमाग में ये पानी जैसा नेगेटिविटी भर जाता है। और जिस दिन आपके दिमाग में ये पानी जैसा नेगेटिविटी भर जाता है उस दिन आप भी उस जहाज़ की तरह अपने ज़िंदगी में डूब जाते हैं और आप सक्सेस नहीं कर पाते हैं। सो गाइस, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए आपको अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं लानी है। सिचुएशंस कुछ भी आ जाए आपको अपने माइंड में नेगेटिविटी नहीं लानी है। और जब आप ये काम करते हैं तब आप नेगेटिविटी से बचे रहते हैं और तब आप उस सिचुएशन को टैकल कर पाते हैं और हैंडल कर पाते हैं और उसे ओवरकम बाहर निकल पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र है कहा जाए तो, और आप इसको अप्लाई ज़रूर करें बिकॉज मैंने ये किया है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने दिमाग में नहीं लाया है, आते हैं बट उसे इग्नोर कर देते हैं और ठीक फोकस रहता है हमारा सॉल्यूशंस पे। प्रॉब्लम को जो भी सॉल्यूशंस है उस सॉल्यूशंस पे फोकस रहता है तब जाके वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है। सो ये स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप ही अप्लाई करें, टैकल करें अपने लाइफ में और इसको इम्प्लीमेंट करके देखें, नेगेटिविटी से बचे रहें। वो समंदर को समंदर जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तूफान मारेंगे आपके चारों तरफ, आपको उससे हर हाल में बचना है। अगर आप बच गए तो समझिए आप सक्सेस कर गए। सो ऑल द बेस्ट।